बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां इलेक्शन कमीशन के रुझानों में कांग्रेस बहुमत से 7 सीट आगे चल रही है। कांग्रेस 120, बीजेपी जो है 70 पर आसपास आ गई है इलेक्शन कमीशन के मुताबिक। और रुझानों में जेडीएस जो है 26 सीट पर आगे चल रही है इलेक्शन कमीशन के मुताबिक। जो है कांग्रेस बहुमत से 7 सीट आगे चल रही है, यानी साफ तौर पर कांग्रेस की बात करें तो इस समय 120 पर है और रुझानों में जेडीएस इस समय 26 सीट पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। ये देखिए जश्न की तस्वीरें हैं कांग्रेस की, जहां पर जश्न का माहौल देखा जा रहा है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं और साथ ही पटाखे फोड़कर जश्न मनाया जा रहा है। देखिए तस्वीरें, ये कांग्रेस मुख्यालय की तस्वीर हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मेरे सहयोगी शब्बीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शब्बीर, देखिए कर्नाटक में जो है कांग्रेस इस समय लगातार बढ़त बनाती हुई नजर आ रही रुझानों में, वहां पर कैसी स्थिति है इस समय? कुल बात की जाए तो क्लियर मेजोरिटी मिलती हुई नजर आ रही है रुझानों में। कांग्रेस की बात की जाए तो कर्नाटक में 120 सीटों के आसपास कांग्रेस को आती हुई दिखाई दे रही है अब तक के रुझानों की बात की जाए, और 3 घंटे से ज्यादा वोटों की गिनती हो चुकी है, यानी 3 घंटे तक से चल रही है वोटों की गिनती। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है पूर्व मंत्री उमंग सिंगार, जो ऑब्जर्वर बनाए गए थे कर्नाटक के बेल्लारी जिले के, और उनकी तरफ से एक बताया जा रहा है कि बेल्लारी की 5 सीटों पर कांग्रेस आगे है। उमंग सिंगार से ही बातचीत कर लेते हैं। सर, बड़े दिनों बाद अच्छी खबर आप लोगों के लिए, बड़ा राज्य जीतते हुए नजर आ रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से पूरे पार्टी के कार्यकर्ताओं को, चाहे कर्नाटक के और यहाँ के भी से प्रदेश की भी बधाई देना चाहता हूँ कि कांग्रेस की एक बहुत बड़ी जीत है। और दक्षिण भारत जो हमारा छूट गया था, वो भाजपा ने जिस प्रकार से सरकार तोड़ के सरकार बनाई थी उसका जवाब है, और निश्चित तौर से जिस प्रकार से तोड़ के यहाँ उन्होंने सरकार बनाई थी, दोबारा यहाँ पर इन्होंने स्थिति की थी, इसी का एक रिमेक वापस से आप 6 महीने बाद देखेंगे मध्य प्रदेश के अंदर कि वापस से यहाँ कांग्रेस की सरकार एक बार बनने जा रही है। सर, क्या मुद्दे चले, क्या मुद्दे देखे थे आप लोगों ने? क्योंकि लग तो ऐसा रहा था देखने पर कि वहां पर सांप्रदायिक कार्ड चल चुका है, लेकिन परिणाम कुछ और ही दिखा रहे हैं। देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, अखाड़े में जब पहलवान उतरते हैं दो, तो जय बजरंग बली बोलते, तो हम तो बजरंग बली बोल के निकले थे, बजरंग बली ने हमको आशीर्वाद दिया, ये तो पूरी जनता जान रही है। सर, आपने जो बजरंग दल को बैन करने की बात कही थी, ऐसा लग रहा है कि वहां पर आपके पक्ष में फैसला आ गया, मुस्लिम एकजुट होकर आपके साथ नजर आ रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि किसी दल की बैन की बात नहीं है, बात यह है कि जो हिंसा करते हैं, जो सांप्रदायिक फैलाते हैं, उनकी बात है, किसी व्यक्तिगत या किसी बजरंग दल की बात नहीं है। जो हिंसा करेंगे कोई भी हो सकता है, तो उसके लिए तो आप अगर शांति चाहते हो देश में प्रदेश में, तो वो तो स्वाभाविक है। सर, 5 मुद्दे वहां पर लेके गए थे आप, कई और वो जमीन पर भी कारगर साबित हो रहे हैं जो रुझानों में दिखा रहे हैं। इसके अलावा भ्रष्टाचार का मुद्दा था, बड़े बड़े एड दिए गए थे आपकी तरफ से मध्य प्रदेश में भी, क्या 5 मुद्दे रहेंगे आप लोगों के? जिस प्रकार से वहाँ भ्रष्टाचार का मुद्दा था, तो यहाँ भी शिवराज सरकार का भ्रष्टाचार का मुद्दा भी रहेगा। और जो अभी आप देख रहे हैं कि घर घर तक पहुंच गई है हमारे कांग्रेस की जो 500 रुपए की टंकी की, तो उसका और लाडली लक्ष्मी का जो सामने काउंटर आया 1500 रुपए, तो 1500 रुपए महिलाएं फॉर्म भरने के लिए आप देखिए किस प्रकार से तैयार हो रही है। और निश्चित तौर से इसे कांग्रेस को जिस प्रकार से कर्नाटक हिमाचल में लाभ मिला इन योजनाओं का, तो यहाँ मध्य प्रदेश में भी लाभ मिलेगा। सर, बीजेपी के नेता भी गए थे प्रचार करने मध्य प्रदेश से, अब जहाँ गए थे, चाहे बीडी शर्मा जी गए हैं, चाहे शिवराज जी गए, अब इनसे पूछो कि इनकी सीटें जीते कि नहीं। सर, एक चीज और है, एक देखने में आया है कि चुनाव की तैयारियां कांग्रेस ने कर्नाटक में पहले शुरू कर दी, तो उसका ये कह सकते हैं परिणाम में रुझानों में देखने को भी मिल रहा है, कांग्रेस जीतती नजर आ रही है। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ एक्टिव हैं, तो क्या उसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा एमपी में? लेकिन यहाँ पर की संगठन बीजेपी का काफी मजबूत है। देखिए, ऐसा है कि राष्ट्रीय नेता हमारे राहुल जी, प्रियंका जी, खड़गे जी, सभी लोगों ने वहां पर 1 साल से पूरी तैयारी में लगे थे, नजर थी पूरी तरह, तो इन तीनों नेताओं और कमलनाथ जी है ही साथ में,
तो ये सब यहाँ रहेंगे और सब पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और जो चीज़ आपको दिख नहीं रही है सब दिल्ली से मॉनिटरिंग हो रही है, और उसका आपको एक सरकार के रूप में परिणाम मिलेगा। सरकार बनेगी मध्य प्रदेश में करना, निश्चित तौर से 100%। आदिवासी इलाकों की बात करें, आदिवासियों के आप बड़े लीडर है, क्या है वापस कांग्रेस 47 की जो सीटें हैं रिजर्व, उसमें से 30 से ज्यादा जीती थी, किस कैसा रहेगा? तो जो लाभ मिलना था आदिवासियों को वो तो मिला नहीं। आज अगर मैंने अभी नल जल योजना की बात करूं, मेरे विधानसभा से 300 करोड़ की, प्रदेश के अंदर हर विधानसभा में 200-300 करोड़ की योजना है, तो वहां पे पानी नहीं मिल रहा। आप जाके फील्ड में देखिए, तो क्या ये घोटाला नहीं है तो क्या है? कहां के ठेकेदार काम कर रहे हैं? गुजरात के ठेकेदार आके काम कर रहे हैं यहाँ। अलीशा देख सकते हैं, कह रहे हैं कि जैसे कर्नाटक के परिणाम आए हैं वैसे ही मध्य प्रदेश के भी परिणाम आएंगे। 6 महीने रुक जाइए, तैयारियां पूरी मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस के लीडरों की चल रही है। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस के लिए बड़े दिनों बाद अच्छी खबर है। हिमाचल छोटा राज्य था जहां पर उसको जीत मिली थी, लेकिन लंबे समय के बाद कर्नाटक में जीत मिल रही है, और जो रिवाज रहा है वहां की जनता के हर बार 5 साल बाद बदलती, उसमें वो कायम होती भी नजर आ रही है। लेकिन इन सबके बीच ये कह सकते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ये परिणाम, ये रुझान बूस्ट अप करते हुए नजर आ रहे हैं, और मध्य प्रदेश कांग्रेस अब जश्न की तैयारी कर रही है। कार्यकर्ताओं में जोश जो है वो हाई दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर तमाम जानकारी देने के लिए।